सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग पिक्सार यूज करते हैं एंड उसके अंदर अपने फोटो को एडिट करते हैं एंड एडिट करने के बाद आपके पिक्सल्स हो जाते हैं बिल्कुल डाउन, तो आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी 0% भी पिक्सल्स डाउन ना हो एंड पिक्सार में आपके पिक्सल्स डाउन क्यों हो जाते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए एंड तक एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। गाइज, अगर आप लोग पबजी लवर हैं एंड आपको गेमिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे भाई का चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिक्सार जितना डे बाय डे अपडेट होता जा रहा है वो अपनी क्वालिटी को डे बाय डे लूज करता जा रहा है। एंड गाइज, आपने देखा होगा कि मतलब कि जो न्यू अपडेट आता है उसमें और भी ज़्यादा पिक्सल्स लूज होने लगते हैं। तो अगर आप लोग पिक्सार लवर हैं एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि पिक्सार के अंदर ही आप एडिट ऐसा करें कि उसके पिक्सल्स लूज ना हो, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, वो क्या करना है गाइज, आपको पिक्सार का जो होम स्क्रीन वाला सेक्शन होता है वहाँ पर आपको फोटो अपना एडिट नहीं करना है, आपको ड्रॉ टूल में अपना फोटो एडिट करना है। लेकिन ड्रॉ टूल में भी एडिट करने के बाद थोड़े बहुत तो पिक्सल्स ज़रूर लूज हो ही जाते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि 0% भी आपका पिक्सल्स लूज ना हो एंड HD में ही आपका हमेशा फोटो सेव हो, चाहे आप कितनी भी एडिटिंग करें एंड वो आपका फोटो हमेशा HD में ही रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा पिक्से प्रो डाउनलोड। एंड पिक्से प्रो पर आप देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर जो रिसेंट वीडियोस आ रही हैं, ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, वो सारे पिक्से प्रो में मैं सिखा रहा हूँ एंड थोड़ा बहुत आप वो सीख भी गए होंगे। एंड अगर आप लोग वो स्टेप बाई स्टेप डिटेल में उसके सारे टूल्स सीखना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है कि आप पिक्से प्रो को सीखना चाहते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते होंगे तो मैं मतलब कि भले ही छोटी छोटी सी वीडियोस बनाऊं लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक टूल के बारे में समझा दूंगा एंड आप लोग को पिक्से प्रो में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। उसमें सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि आपका जो स्टोरेज होता है फ़ोन स्टोरेज वो बहुत ही ज़्यादा कम खाता है, क्योंकि वो उसका जो साइज़ होता है फाइल साइज़ वो 1 से लेकर 2 MB होता है ओनली। एंड उसके अंदर होता क्या है, आपको जूम ज़्यादा मिल जाती है फ़ोटो जूम करना। तो जूम करने का एक सिंपल सा फ़ायदा क्या है, जो कि आप फोटोशॉप में एडिटिंग करेंगे तो जब आप कटिंग करेंगे फ़ोटो की तो उसमें बहुत ज़्यादा जूम मिलती है, इसके बदौलत ही बहुत अच्छी कटिंग होती है। तो इसमें बहुत ही अच्छा ये फीचर है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जूम मिलती है, जिससे कि होगा क्या कि आप अपने फ़ोटो के एक एक पार्ट को कम्प्लीटली क्लीन कर पाएंगे एंड आप अपने हेयर्स को भी यहाँ पर रिमूव कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको एंड इसमें बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी ऑप्शन नहीं है, जैसे कि पिक्सार्ट में आपको थोड़ा बहुत हार्ड भी लगता होगा। लेकिन गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिस टाइप से पिक्सार्ट को सीख गए हैं उसी टाइप से मैं पिक्से प्रो को भी आपको सिखा दूंगा एंड जो भी नीड होती है पिक्सार्ट में वो सारा कुछ आप सीख जाओगे स्टेप बाई स्टेप एंड सारा कुछ आप पिक्से प्रो के अंदर कर सकते हो। तो मुझको कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको पिक्से प्रो सीखना है या फिर नहीं, तो मैं लेकर आऊँगा इसके ऊपर ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।